नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पावरिंग फर्ग्यूसन ट्रैक्टर, जो कि पेट्रोल से चलता था, पेट्रोल प्लस पावरिंग तेल के साथ में जो आता था। और सबसे ये है 1956 मॉडल। और सबसे बड़ी खास बात यह है, ये ट्रैक्टर आज भी पूरा जेन्युइन और स्टार्ट कंडीशन में है। बस स्टार्टिंग की कंडीशन क्या है इसकी, थोड़ा सा जैसे प्लग वगैरह साफ़ करने हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये रणजीत जी हैं। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दोनों ही रणजीत जी हैं और इनके नाम में भी कन्फ्यूज़न है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस ट्रैक्टर के बारे में, इस वीडियो के अंदर इस ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को, प्लग के साथ में, पेट्रोल के साथ में। और लाइफ में मैंने ये ट्रैक्टर दूसरा देखा है, आज तक का दूसरा ट्रैक्टर देखा है। देखे तो खैर एक और भी है, लेकिन वीडियो पहले ही बना रहा हूँ। तो इस ट्रैक्टर के बारे में सारी जानकारी लेंगे, इन्होंने क्या क्यों रखा है, कहाँ से कब लेकर आए, नया लेकर आए थे, किसका नाम, किस तरीके, सारी डिटेल के बारे में दिखाऊंगा। आज तक पिन तक भी इसकी ओरिजिनल है बिल्कुल पूरी ट्रैक्टर की, ऐसा जेन्युइन ट्रैक्टर बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक बार आप अपना नाम पता, एड्रेस बताओ। रणजीत सिंह गुर्जर, ग्राम धागुआ खुर्द। और डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट जालौन। जालौन डिस्ट्रिक्ट, उरई क्या लगता है आपका, तहसील? उरई, तहसील उरई। अच्छा, उरई तहसील, जालौन डिस्ट्रिक्ट हो गया अपनी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक ठीक तो और रणजीत जी, एक चीज़ बताओ पहले, अपने नाम का कन्फ्यूजन बताओ आप। हम दोनों भाई भाई हैं। नहीं है, भाई भाई हो, गाँव अंतर, गाँव में अंतर है। नहीं, वो तो अब आया ना जी। हाँ। 2010 में जैसे अभी आप मेरे को बता रहे थे। हाँ। तो वो क्या था वो चीज? ग्राम सभा एक ही नाम से थी दोनों लोगों की। अच्छा। प्रधान एक ही नाम से थे। अच्छा, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती थी। अच्छा, जब मतलब ग्राम सभा भी एक, सारी चीजें एक थी। हाँ। बस चेहरे अलग अलग थे। नाम एक ही थी, नाम एक ही था। ग्राम का नाम एक ही था। अच्छा अच्छा, उसमें ब्लॉक भी एक है। अच्छा जी, उसके चक्कर में कंफ्यूजन होती थी। हाँ, थाना भी एट था दोनों का। अच्छा अच्छा। बंदा आप आएगा आपके घर पे, पहुंच जाए इनके घर पे। चिट्ठी आई इनके घर पे, आए इनकी पहुंच जाती है आपके पास। ठीक, तो ट्रैक्टर के बारे में बताओ जी, अभी ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है? 56 मॉडल है। अच्छा, 1956 मॉडल है ये, 1956 मॉडल। तो ये नया लेके आए थे? नया हमारे पिताजी लेके आए थे। क्या नाम है जी, उनका नाम जरूर बताओ। चौधरी मनमोहन सिंह, कोस्ट में श्याम राजा कहते थे उन्हें। अच्छा, कोस्ट में श्याम राजा कहते थे। तो वो नया लेकर आए थे? नया। अच्छा, उस टाइम पर नया। कितने का लेकर आए थे आपको ध्यान होता बताइए? 6600 रुपए का। साथ में क्या क्या आया था ध्यान होता आपका? कल्टीवेटर आया था उसका। अच्छा, कल्टीवेटर के साथ में आया था, इंग्लिश कल्टीवेटर, वो भी है। चलो वो भी दिखाऊंगा, कल्टीवेटर भी दिखाऊंगा इसका। तो ये बताओ, आपने ट्रैक्टर चलाया है जी? कितना चलाया आपने ये बताओ? 4 साल। अच्छा, 4 साल आपने लगातार चलाया। चलाने में कैसा लगे? आगे मजा आता था, फर्स्ट क्लास। पर इसमें जैसे पावरिंग तो अपने यहाँ था नहीं तेल जी। तो उसमें पेट्रोल में जैसे आप पेट्रोल से स्टार्ट होता ही है। हाँ हाँ। उसका टेम्परेचर 80-85 हो जाता है, जब गर्म हो जाता है उसका टीएस को मिट्टी के तेल पे कर देते हैं जी। अच्छा अच्छा, सेंटर में इधर को करो आप तो पेट्रोल का हो गया। हाँ हाँ। और जब गर्म हो गया ट्रैक्टर, ये मीटर बताता है, ओरिजिनल मीटर लगा है। अच्छा अच्छा, जो देखते हैं यहाँ 85 हो गया तो इधर कर दिया, इसकी ऐसा कर दिया जी, मिट्टी के तेल पे हो गई। अच्छा, यहाँ से इससे चेंज कर देते थे? हाँ, चेंज होता था। एक टाइम के बाद जैसे टेम्परेचर मीटर देख के उसके बाद चेंज कर दो आप। अब जब इसको बंद करते हैं। हाँ हाँ। और अगर 2-3-4 घंटे खड़ा रहे। हाँ हाँ। तो उसका फिर पेट्रोल पे स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो थोड़ा ट्रैक्टर ठंडा ना होना चाहिए। हाँ। अगर ठंडा होगा तो फिर आपको दोबारा फिर पेट्रोल करो, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर देख लो सही है तो फिर मिट्टी के तेल पर कर दो, चलता रहता है। गरम वरम नहीं होता जी, गरम वरम का कोई दिक्कत नहीं। आपने कितना लोड खींचा इस ट्रैक्टर पे? खूब, जितना चलता है। अच्छा, जब आप ये ट्रैक्टर लेकर आए थे, आपके पिताजी लेकर आए थे, तो उस टाइम पे कितने एकड़ जमीन जोतता था, मतलब कितने एकड़ जमीन के साथ काम कर रहा था ये ट्रैक्टर? 600 एकड़ उस टाइम पे। ये अकेला ही था या और भी थे? दो थे, एक फोर्सन मेजर था। अच्छा, एक फोर्सन मेजर था, एक ये था, तो दोनों अपने लगे रहते थे अपना काम करने में। तो आप एक चीज बताओ, आपने ट्रैक्टर इतना साफ सुथरा रखने का कारण क्या है? आपके पिताजी ने ऐसा क्या था, या आपका लगाव है ट्रैक्टर साथ, लगाव क्या अपना? शौक था पिताजी को ज्यादा मशीनरी का। अच्छा, काफी अनुभव था उन्हें। काफी अनुभव था उनको। आपने जैसे इसका अभी कभी कोई काम, कोई टूट फूट हुई या नहीं हुई? नहीं, नहीं, कुछ नहीं खोला इसका अभी तक। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे का जेन्युइन, मतलब जैसा था वैसे का वैसा। आप इसको रिपेयर कहाँ करवाते थे? उरई में है मिस्त्री एक। अच्छा, ऊपर उरई में मिस्त्री है। हाल देखो आप, कितने साल पुराना है देखो आप, नया रखा हाल है। मिलेगा किसी का ऐसा? नहीं नहीं, ये बात तो सही कर, बिल्कुल काला मिलता सबका, बिल्कुल काला मिलेगा, बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो बात सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। इसलिए तो मेंटेन है वो, इसका समय से मोबाइल ऑयल बदलता रहता था। अच्छा, अब भी आप इसको चलाते हो या नहीं चलाते? चला चला, अभी हमने स्टार्ट किया था थोड़े दिन पहले। अच्छा, बैटरी रखो स्टार्ट तो अभी हो जाएगा। अच्छा, बैटरी रखते स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।
ठीक है, मतलब आज भी ये ट्रैक्टर चालू कंडीशन में है, वैसा कुछ नेवर नहीं चालू इसके अंदर? आपने वाकई में कंट्रोल है इसका, सिस्टम हाइड्रोलिक का कंट्रोल है। अच्छा, हाइड्रोलिक कंट्रोल बहुत अच्छा है, पहले ही से है कंट्रोल, जैक वाला सिस्टम नहीं है। समझ गया। ठीक, और कुछ खास बात बताओ इस ट्रैक्टर साथ लगाओ क्या आपका, बेचने का क्या इरादा है वो बताओ पहले। बेचने का नहीं है। क्यों, कारण क्या है? घर में पुरानी चीज है, पुरखों की है। अच्छा, जैसे पिताजी की एक निशानी आपने घर में रख ली परिवार में, आने वाले टाइम में देखो। एक तो इस ट्रैक्टर को कितने शायद 68 ईयर हो गए, 68 साल थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा हो जाए। 68 साल बाद आज भी ये चीज चालू है, जिंदा है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आज तक। ओरिजिनलिटी है हर चीज की, प्योर ओरिजिनल ट्रैक्टर है एकदम आगे से पीछे तक। यही चीजें होती है जेन्युइन चीजों के लिए, इस चीज के लिए। उन्होंने जो टायर नहीं बदलवाए मिस्त्री के यहाँ कभी, तो फिर गांव में लड़के जी जो ड्राइवर थे पिताजी के लगे थे नौकर, वही बदलते थे। अच्छा, गांव में, गांव में नया टायर आए, गांव में बदले जाएंगे, खुद डायरेक्शन देते थे वो। अच्छा, ठीक ठीक, मशीनरी में बहुत होशियार थे। अच्छा, मशीनरी के मामले में बहुत ज्यादा नॉलेज थी उनको, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे इस मामले में, जैसे खुद करवाते थे सामने। ठीक ठीक, यही चीजें होती है जो ट्रैक्टर को जिंदा रखती है। मैं कहूं दाग नहीं है, नहीं नहीं ये तो है नहीं भाई, कहूं नीचे हथौड़न से टेढ़े हो जा। हां नहीं नहीं, ये बस सही कर रहे हो बिल्कुल, कहीं से उन्होंने बिल्कुल प्यार से रखा है ट्रैक्टर को। अरे वो कहते थे लड़का है मेरा। अच्छा, देखो किसान का तो ट्रैक्टर लड़के जैसा है, बराबर हो जाता है, क्योंकि जोर लगाना सारा कमाना इसी के हाथ में होता है जमींदार का तो बेचारे का। और जमींदारी में अगर यही चीज खत्म होगी तो फिर एक ये माने बोला हाथ कट गए उसके, तो सीधी बात है। चलो एक बार ट्रैक्टर दिखा देता हूँ पूरा पूरा ओरिजिनल। जैसे ये हेडलाइट वगैरह सारी साथ की है, इंग्लैंड की लगी है। अब देखो तक होगा, लिखा तो नहीं था, मिला था इस पर नहीं, सील्ड बीम है ये तो बस खाली। अच्छा चलो छोटो, कोई नहीं होगी, साथ की होंगी, ये कवर तो साथ का है, ये तो कंफर्म है, सब उसी का। ठीक ठीक, ये फर्गुसन लोगो बड़ा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर रखा हुआ है जी, बिल्कुल एकदम। ये भी खास बात, देखो ट्रैक्टर में कहीं जंग नहीं है। आप पूजा करते हो ट्रैक्टर की? जी हां, पूजा करते। आपने बताई नहीं है बात, पहली दफे सबसे प्रथम इसी की पूजा होती है। अच्छा, और वाहनों की? ठीक ठीक, दिवाली पे? हां, दीपावली। अच्छा अच्छा, दीपावली भी इसकी पूजा करते हो आप प्रॉपर तरीके से? वाह जी वाह, ये ट्रैक्टर है। एक बार बोनट खोलोगे एक बार इसका? अरे वाह, देखो ये स्लाइडिंग सिस्टम है इसमें आज भी, ये चीजें देखो, ये स्लाइडिंग होती थी इसमें, यहाँ तक खुलेगा बोनट, ये नहीं बोनट का इतना प्यारा सिस्टम उस टाइम पे दिया था कंपनियों ने, रेडिएटर वगैरह होगा साथ का ही, और ये इतना थर्मोस्टेट वाल होगी, ये प्लग सिस्टम है यहाँ पे, ये प्लग सिस्टम है, केबल निकल गई वहाँ, ये यहाँ तक केबल निकल गई, ये प्लग सिस्टम हो गया, कार्बोरेटर हो गया। हाँ एक मिनट आऊँगा जी, वहाँ पे भी आऊँगा। ठीक ठीक, ये अपना सारी चीज़ें प्रॉपर प्योर ही है, ये था भाई, जैसे पेट्रोल पे लग गया, उसके बाद इसको इससे पावरिंग पे लगा दो थोड़ी देर के बाद, और ये अपना पेट्रोल से लग जाता था, यहाँ से चलता था ट्रैक्टर। अच्छा, आर्म वगैरह है, ये टूल बॉक्स हो गया, यहाँ पे बैटरी बॉक्स हो गया, लगी लगी अभी तक ओरिजिनल ही है, ये ओरिजिनल है जी उस टाइम की, ये पेट्रोल वाली टंकी है क्या? हाँ, ये पेट्रोल की, ये पेट्रोल की टंकी होगी, ये पावरिंग की होगी। ठीक, और यहाँ पे इसकी प्लेट लग रही है, जो उसका नंबर वगैरह, ये प्लेट है इसकी, ये मीटर है इसका। अच्छा, ये है मीटर वो जी, जो आप बता रहे थे टेम्परेचर देखने का, गर्म पता लग जाता है, यहाँ तक हो जाती। ठीक ठीक, ये इस तरीके से मीटर, ये मीटर है जी, ऑयल वाला है ये वाला, यहाँ क्या था? ये एयर क्लीनर है इसका। अच्छा, एयर क्लीनर। ठीक ठीक ठीक, अच्छा एयर क्लीनर की कैसे इसमें रबड़ लग जाती? ठीक ठीक, हाँ अच्छा, वहाँ से ठंडी हवा खींच के, ये बैटरी बॉक्स हो गया अपना इधर। ये मीटर किस चीज का था ये वाला? ये ऑयल का है। अच्छा, ऑयल प्रेशर दिखाने के लिए, प्रेशर के लिए। ये स्विच हो गए इसके अपने, एक पिछला एक आगे की लाइट दोनों का अलग। अच्छा, ये गियर लीवर हो गया, चार गियर होते थे इसमें, चार गियर होते इस इधर करके, ये ऐसे लिखा हुआ है, इस पे स्टार्ट हुआ, ऐसे लिखा है जी, इस पे स्टार्ट करो, सेल्फ ऐसा करो, ऐसा खींचो लो, हाल स्टार्ट हो गए। अच्छा, मतलब स्लिप स्टार्ट था वो मिला के, चाबी वगैरह के भी चक्कर नहीं, गियर लीवर से स्टार्ट कर दिया छुट्टी, हैंडल भी है, और अच्छा ये हैंडल भी है, हैंडल भी रखा उसको ओरिजिनल। अरे वाह, ओरिजिनल हैंडल सही रख रखा है जी आपने ट्रैक्टर, बिल्कुल प्योर ओरिजिनल एकदम, अंदर लॉक भी लग रहा है इसमें, ये डुल्ला डालने के लिए जगह भी अच्छी है रखने की। हां, ये निकलेगा भी नहीं ना, अरे फिक्स है, फिक्स हो गया बिल्कुल, जैक हाइड्रोलिक। अच्छा, ये लाइट, ये सीट होगी, सीट ओरिजिनल,
पट्टे वाली सीट होगी, आ रहा है पीछे भी जाऊंगा जी, पीछे जाऊंगा धीरे धीरे। इसमें पायदान नहीं होते थे क्या? नहीं पायदान नहीं होते थे। अच्छा उस टाइम में अच्छा ये यहाँ पर रख लेता था बंदा पैसे, ये क्लच है। हाँ ये अच्छा का दाब दो इधर, ऊपर पहिए रुक जाए, ये पीटीओ लीवर होगा इधर। हाँ, पीटीओ लीवर आज भी आराम से चल रहा है भाई। ठीक बड़ी स्मूथ क्लच है। हाँ एल्युमिनियम के साथ में है, मुडगार्ड देख लो प्योर ओरिजिनल मुडगार्ड, 12/4/28 का टायर है, 12/2/28 का, 11/2/28 का, सॉरी 11/2/28 का टायर है, रिम वगैरह ओरिजिनल साथ के साथ में। और ये देखो भाई पूरा बैक हिस्सा, कौन सी पिन कर आप, ये वाली पिन कर रहे थे ना, यही लगी है। अच्छा अच्छा ये रही है, अच्छा साथ में आती थी कि यहाँ फिक्स होता था इनका, ये जी लिंच पिन भी लगी वही। ठीक 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 अच्छा ये भी, ये पिनरी ओरिजिनल साथ की है, यहाँ पे ही चलक जा रहा था जी। अच्छा ये भी चेन वगैरह सारा सब वही है। ठीक लिंच पिन जी, ये यहाँ पे इसमें बेल लगी हुई है, तो ये वाली चीज है, गुम होने का कोई चांस ही नहीं इनका तो। नहीं ये भी चालू हालत में है, देखो आप जी जाम नहीं है, ये नहीं है कि पत्थर लगा बहुत दिन का रखा। अरे वाह वो तरीके स्मूथ है बिल्कुल, प्यार तक घूमे है एकदम आराम से, ऊपर उठे आराम से नीचे। ये वाली लाइट और देख लो बैक लाइट प्योर ओरिजिनल है। अच्छा ये वाला लीवर कर रहे थे आप? हाँ। एक सिंगल लीवर से काम करता है पूरा पूरा कंट्रोल। ठीक ठीक बढ़िया चीज रख रखी है आपने एकदम संभाल के। ये लाइफ में अच्छा एडजस्टेबल एक्सल है, फ्रंट एक्सल एडजस्ट कर सकते हैं हम अपना अपने काम के अकॉर्डिंग। हाँ साइलेंसर भी पीछे निकला हुआ है। ठीक 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 अच्छा ये यहाँ से नीचे जाके साइलेंसर ये पीछे निकल गया। ओरिजिनल में ये आता था साइलेंसर, ये ब्रेक हो गए इसके, कार की तरह। अच्छा ये ब्रेक हो गए, मेन ब्रेक ये हो गए, ये साइड ब्रेक हो गए। ठीक ठीक यहाँ पे पैर रख ले बंदा, एयर क्लीनर हो गया। ये यहाँ पे क्या था? ये तो इसका ये बोनट लॉक। अच्छा बोनट लॉक है ये, अच्छा ये होता है बोनट लॉक। ठीक है यहाँ से इसको कर दो ऐसे, खुल गया यहाँ से लॉक लग गया। ये स्टॉपिंग पॉइंट ये चोक है, चोक है जैसे। अच्छा चोक देने के लिए, ठीक 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 चोक देने के लिए। ठीक ठीक ये यहाँ पे है, ये वाला सिस्टम कार्बोरेटर में लगा था, यहाँ से पावरिंग वाला सिस्टम था इस साइड में, एग्जॉस्ट वाला इधर तो नहीं नहीं। अच्छा पावरिंग वाला भी इधर यहीं से वो है, एग्जॉस्ट यहीं से वो। अच्छा अच्छा ये इधर से ये कवर कर रखे हैं इन्होंने। ठीक ये है भाई, हाँ ये डायनमो। अच्छा ये डायनमो ही रखा हुआ अपना अभी तक पूरा ट्रैक्टर। ये रखे जी चीज वाकई में आपने जेन्युइन रख रखी है, हाथ वाली रेस होगी यहाँ पे, जितनी देना चाहो उतनी दे लो, उतना ही भाग लेगा तेज ट्रैक्टर। आपने तो पूरा बिल्कुल एकदम शोरूम पीस रखा हुआ है जी ट्रैक्टर को, एक बार पेंट करवा दे बंदा, पेंट करा दे तो फिर कोई नहीं लेगा इसको। नहीं नहीं तो बात खत्म नहीं जी, ओरिजिनलिटी नहीं, आपको तो बेचना ही नहीं आपने तो, सीधी बात तो वो है ना, रंग नहीं करवाएंगे हम। नहीं वो ठीक है, रंग करवाने जैसे इस ट्रैक्टर में जंग नहीं कहीं पर कोई आज तक, वो तो जो है हम बताएं आपको, वो एक दो साल जहाँ में खड़ा रहा गैराज में, अच्छा उसमें रखी थी मटर, तो चूहा हुआ कर गए जी सब गड़बड़, ये ऊपर पेशा वेशा जम गई। ठीक ठीक अच्छा अच्छा बहुत सफाई करवाई लेकिन वो आई नहीं। चलो कोई नहीं जी, इतने साल बाद भी ट्रैक्टर अगर जिंदा आज भी चल रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन पे है ये ट्रैक्टर, तो इससे बढ़िया तो और कोई चीज़ मिल नहीं सकती। तो ये था भाई पावरिंग, जो पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर था, वाकई में बड़ी ज़बरदस्त चीज़, अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में भी। तो ये था भाई ट्रैक्टर। भाई अगर और किसी भाई की नॉलेज में ऐसी कोई ट्रैक्टर हो तो मेरे कमेंट में मेरे नंबर पर जरूर व्हाट्सएप मैसेज करना, या कॉल करके आप मेरे को बता सकते हो। जो मेरा नंबर है 9460 34520 9460 34520 कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा अपना। तो ये है भाई ट्रैक्टर पावरिंग पेट्रोल के साथ में, चार सिलेंडर है, चारों लग रहे हैं प्लग इसमें, ये रहे चारों प्लग अलग अलग हैं अपने अलग अलग तरीके से। ये यहाँ से इसमें करंट वगैरह का सिस्टम होगा। तो जैसी वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताना। एक बार इसका वो दिखाता हूँ आपको, इंग्लिश टीलर, इंग्लिश टीलर वहाँ पर रखा, जो इसके साथ का जो कल्टीवेटर आया था वो दिखा देता हूँ।
हालांकि इनके पास ऑलरेडी ट्रैक्टर हैं और भी 4-5 चलाने के लिए, अभी एक देख मेसी फर्गुसन है, एक महिंद्रा है, इधर सामने एक जोंडियर खड़ा है। पहले मैं आपको उसका इंग्लिश टीलर दिखा देता हूँ जो इसके साथ में आया था उस टाइम पे। ये यहाँ पर है, ये रखा हुआ इंग्लिश टीलर, ये रख रखा ये आया था उस टाइम पे, ये कल्टीवेटर था इसके साथ का। यहाँ पर देखते हैं अगर कुछ मिल गया तो, इस पर कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा वैसे। चलो जो भी है, ये इस तरीके से डिज़ाइन होता था इसका, एडजस्ट कर सकते थे आप यहाँ से। ये देखो पीछे एडजस्टेबल दे रखी थी, लेकिन जो मेन है ना इसका एंगल होता था, जो इसका आर्म का एंगल है, और यहाँ पे आप छोटी जो खुरपी होती थी वो कोई सी भी खुरपी लगा लो, चौड़े वाली या बीड़े वाली, अपने काम के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाती थी इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, ये हल्का होता था, बहुत ज़्यादा हल्का और बहुत ज़्यादा मजबूत। ये देखो यहाँ से ना हल्का सा बैंड दिया इसमें, हल्का सा बैंड दे रखा ताकि और मजबूती बनाए बनी रहे इसकी। ये था भाई इंग्लिश टीलर के साथ में था। तो भाई जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।